वडोदरा शहर में बसते वैसे धानधार पंचाल समाज द्वारा समाज के लोगों के बीच स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर में बसते वैसे धानधार पंचाल समाज द्वारा समाज के लोगों के बीच हर एक लोग अपने मिलन मुलाकात के जरिए संपर्क में आए और जान पहचान बढ़े वैसे आशय के बीच दीपावली के बाद स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है कि बढ़ रही महंगाई के बीच और बढ़ रही रफ्तार युग जीवन शैली के बीच हर किसी के पास हर किसी के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में वडोदरा शहर में बसते वैसे धानधार पंचाल समाज द्वारा हर वर्ष दीपावली के बाद स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन करते हुए समाज के लोगों को इकट्ठा करने के साथ उनकी पहचान तथा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके भावरूप आज धानधार पंचाल सेवा समाज द्वारा तमाम लोगों की उपस्थिति में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो ये कार्यक्रम के तहत वडिलों का स्वागत सत्कार करते हुए बच्चों द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश किया था, जिसके बाद समाज के लोगों के बीच एक स्नेह मिलन कार्यक्रम के जरिए पहचान बढ़ाने की कोशिश की गई थी। मारू नाम भरत स्वामी, प्रमुख बक्सीबंद मोर्चो भारतीय जनता पार्टी वडोदरा शहर। आज रोज धानधार पंचाल सेवा समाज के जो मुख्य पालनपुर उत्तर गुजरात ना वतनी छे, वडोदरानी अंदर घणा वर्षोथी स्थायी थयेला छे। वडोदरामां अलग अलग विस्तारमांथी गुजरात, गुजरात सिवाय महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तमाम जिल्लाओमांथी आज अत्रे अहींया उपस्थित थया छे। आ लोको दर वर्षे स्नेह मिलन समारंभ राखे छे। आ स्नेह मिलन समारंभनी अंदर जेटला बारगामथी नवा आया होय तेमने एकबीजानो परिचय थाय, साथे साथे युवा मेळा जेवुं छे के बाळ युवको युवतીઓને પણ જોઈ શકે। અને આજ રોજ ખાસ કરવાનું કારણ એવું છે કે ખરેખર આ લોકોને કરવાનું હતું 30મી ઓક્ટોબરે, પણ તે દિવસે સંજોગો વરસાદ નહીં થઈ શક્યું બીજા કારણોસર, એટલે આજ રોજ આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને સાથે સાથે 146 જ્ઞાતિ પૈકી, મારું નામ કેતન પંચાલ છે, વડોદરા સમાજ શ્રી ધનધર પંચાલ સેવા સમાજ, ઓબીસી સમાજ એક ઘણો મોટો સમાજ છે બરોડા શહેરમાં, અને આ વખતે સ્નેહ સંમેલન એક કાર્યક્રમ રાખેલો છે। એના માટે દરેક સમાજના ભાઈઓ અને બહેનોને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ અમે લોકો। અત્યારે અમારા ધનધાર પંચાલ સેવા સમાજ વડોદરા શાખાએ સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે। એકબીજાને મળીને નવા વર્ષના શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ, અને એકબીજાની નવા જે શું કહેવાય બોમ્બેથી બરોડાથી અહીંયા શિફ્ટ થયા એકબીજાની પરિચય કરાવીએ છીએ।